यो भाई कवासा की Z900 से सीधे मैं स्कूटी पे आ चुका हूँ, मतलब गरीबी के दिन चल रहे। ये ले क्रैश भाई, इतने सारे पैसे कहाँ से आए इस बंदे के पास यार? पैसे देख रहे हो कितने सारे हैं यार? देखता हूँ कौन फोन कर रहा है। ओ माय, ओ हेलो ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। एंड नए व्लॉग शुरुआत हो चुकी है। आज आपका भाई ना फिर से जम्मू में व्लॉग स्टार्टिंग कर रहा है, ठीक है? आपको पता है यार, कुछ टाइम से ना मैं जम्मू में रह रहा हूँ, ठीक है? नियर अबाउट मुझे 15 दिन हो गए ना, थोड़े कम व्लॉग्स अपलोड करता हूँ। बताइए यार, मेरे पास बाइक्स है नहीं अभी, ठीक है, जिन पे मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि मैं एक मोटो व्लॉगर हूँ, मेरा कंटेंट जो है ना बाइक पे होता है। तो अब मेरे पास बाइक्स नहीं व्लॉग बनाने में, यार थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। फिर भी यार जुगाड़ करके मैं व्लॉग बनाता हूँ, आप सबको ना हालचाल बोलता हूँ अपना कि मैं कैसा हूँ। आप लोग भी बताओ आप कैसे हो। पहले तो सबको यार मेरी तरफ से ईद मुबारक। इंशाल्लाह जम्मू में ईद मनाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? बाकी अपनी फैमिली को मैं थोड़ा बहुत मिस कर रहा हूँ। चलो भाई, इन फ्यूचर हम घर भी जाएंगे, वहाँ पे व्लॉग्स बनाएंगे। मैं आपको एक चीज बताऊंगा यार, मैं सोच रहा हूँ कि हम ज्यादा कैंपिंग व्लॉग्स अपलोड करें। सारी लोकेशंस है जहाँ पे कैंपिंग की जा सकती है। मैं कैंपिंग वाले व्लॉग्स अपलोड करता था जब मैं कश्मीर में, मतलब उन व्लॉग्स में मजा आता है बहुत ज्यादा भाई। कैंपिंग पे जाए वहाँ पे ना थोड़ा सा एंजॉयमेंट करता है, ना आपका भाई आपको भी एंजॉय करवाता है। तो मेरा प्रोग्राम बन रहा है कि भाई इन फ्यूचर हम कैंपिंग वाले व्लॉग्स जो है ना सबसे ज्यादा बनाए। बाकी मैं अपडेट दूं यार, एंजिला जो है ना अभी बात चल रही है भैया से, मेरे ख्याल से हम अंजिला को वापस लेके आए, क्योंकि वो बाइक जो है ना मैंने बेच दी है, जो मेरे पास सुपर बाइक थी वो मैंने बेच दिया। बट अभी बात चल रही है भैया से, हो सकता है कि इन फ्यूचर हम उस बाइक को ना वापस लेके आए। तो मैंने ना मन बना लिया था कि भाई मैं अपनी सुपर बाइक जो है ना यार तो ईद के दिन उसको ले आएंगे, ठीक है? लेकिन अभी ना वो चीज पॉसिबल नहीं हो रही है, तो इन फ्यूचर हम अपनी बाइक को वापस ले सकते हैं। फिलहाल चलते हैं मेरे दोस्त के पास, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों के पास ही होगी कभी यहाँ पे आता हूँ, बिना दोस्तों के पास चलते हैं। एंड वहाँ पे बाइक भी है, मेरे ख्याल से मोटो ब्लॉग भी करेंगे, तो मजा आने वाला है। ब्लॉग जो है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज स्किप करके नहीं जाना, ब्लॉग को पूरा देखना। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ फैलाओ जब तक अपनी बाइक साथ ही है ना, फिर अच्छे से प्रॉपर मोटो ब्लॉग होगा। सो गाइस, बाकी ना यार आज मैंने कटिंग वगैरह भी कर ली, बिकॉज मेरी हालत थोड़ी बहुत खराब हो गई थी, तो इस ईद को ना इंजॉय करते हैं। तो क्योंकि ये दिन जो है ना रोज रोज नहीं आना है, ठीक है? अगर मैं जम्मू में हूँ यार, फिर भी हम जम्मू में अपने फ्रेंड्स के साथ ईद मना सकते हैं, उनकी फैमिलीज है, मजा आ जाएगा। ईद पे भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मैं एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ आप सबके लिए। बाकी अभी ना मुझे नहाने जाना है, मैं फिलहाल ना फ्रेश होता हूँ। आफ्टर दैट मुझे चलना है दोस्त के पास, वहाँ पे उसकी बाइक है, हमें थोड़ा बहुत काम है एंड वो काम भी ना हम वहीं से खत्म करेंगे। उसके बाद चलते मेरे ख्याल से राइड प्रोग्राम बना, तो राइड पे जाएंगे। अगर राइड पे नहीं जा पाया तो एडवांस में आप सबको यार सॉरी, बट एडवांस में ये चीज भी आप सबको मेरी तरफ से ना ईद मुबारक। तो सुबह ईद है, ठीक है? हमेशा यार ख्याल रखो, अगर घर वाले ईद ही देते हैं ना, गरीबों की हेल्प किया करो। गरीब बच्चे होते हैं एंड उनके पेरेंट्स को ना ये चीज पॉसिबल नहीं होती कि भाई वो उनको ना नए कपड़े ला के दे। एक बंदे की ना अलग अलग स्टोरी होती है यार, उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करो फाइनेंशियली, भी ईद जो है ना खुशी खुशी मनाए। हम लोग खुशी से मना सकते हैं, वो लोग भी खुशी खुशी मनाने चाहिए। तो ईद का मतलब ये यार, हमें सभी भाइयों की ना हेल्प करनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, आपका भाई फुल पावर रेडी हो चुका है, फिलहाल मुझे जाना है अपने दोस्त के पास, बिकॉज वो कॉल कर रहा था भाई आ जाए यहाँ पे, एंड हेलमेट वगैरह जो है ना वो मेरे सारा साथ में लिया। आप सबको एक चीज बताइए यार, मैं एक राइडर हूँ, हेलमेट जो है ना हमेशा मेरे साथ। तो आज ना अपने पास बाइक्स है नहीं, बट हेलमेट जो है ना फिर भी मैं साथ में लेके चलता हूँ, बिकॉज दोस्तों की बाइक्स है, उन पे कभी कभी मोटो ब्लॉग करते हैं, एंड अपना सेटअप जो है ना हमेशा साथ में होना चाहिए। बाकी बैग वगैरह जो है ना वो मैंने पहन लिया पीछे से, ये देखो भाई आ रहा है ना, पूरा दिखाना पड़ रहा है। अभी फिलहाल रूम को लॉक करते हैं एंड यहाँ से भाई निकलते हैं, ठीक है? काम भी डन हो चुका, अब चेक कर लो भाई। अभी ना अच्छी खासी धूप जो है ना वो हो रही है, देखो भाई। आप सबको ना मेरी तरफ से ईद मुबारक। एंड मैंने ना कल व्लॉग थोड़ा बहुत शूट किया था, कल नहीं यार परसों मैंने व्लॉग शूट किया था, एंड तब से ना 2 दिन हो गए यार, 2 दिनों से मैंने व्लॉग शूट बिल्कुल भी नहीं किया। तो ना भाई हेलमेट पहन के मैं निकल रहा हूँ, मतलब मोटो व्लॉग होने वाला है। एंड आज है 2nd ईद, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ईद मुबारक बोला, बिकॉज उस टाइम ना ईद आनी थी, अब 1 दिन हो चुका है, अब मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। बाइक्स है नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। एंड यहाँ से देखो भाई लोंडा भी टपक चुका है, ठीक है? अभी हम दोनों जा रहे हैं ना भाई, ये भी 7 दिन के बाद व्लॉग शूट कर रहा है, एंड मैं कम से कम ना 4 दिनों के बाद व्लॉग बना। फिलहाल के लिए मैंने चप्पल पहन लिया, एंड ये सब चेक कर लो भाई साहब, ये ना RC 390 है, ठीक है? एंड इस पे ना आजकल मैं व्लॉग्स बनाता हूँ जब राइड पे जाना होता है ना, इस बाइक को मैं कभी कभी निकालता हूँ। बाकी दोस्त जो है ना जम्मू के भाई वो यहाँ पे है नहीं, ठीक है? सभी बंदे घर गए, एंड आज ना अपने पास एक ही बाइक अवेलेबल होती है, ये 390, तो इसको मैं कभी कभी राइड पे लेके जाता हूँ। ये देखो भाई गरीब आ गया वहां से यार। इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? ओह भाई साहब पैसे देख रहे हो भाई यार, इतने कम है यार, थोड़े से और दे दे यार, एक मिनट टॉफी खा लेना जा भाई। और एक बंडल आ गई अपने पास यार, क्या बात है भाई, इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे? तो ये ले और एक और ले। हो गए 3, सारे देना मुझे, सारे दे यार, तू अमीर लग रहा है मुझे अभी यार। ये ले क्रैश भाई, इतने सारे पैसे कहाँ से आए इस बंदे के पास यार? पैसे देख रहे हो कितने सारे हैं यार, देख लो भाई। अब ये ईद होती, ईद वाले दिन पैसा ये बच्चों के लिए रखा था तूने यार, छोटे-छोटे बच्चों का। ये ले सारे, इतने पैसे बच्चों को देता यार। ओ भाई इतने सारे पैसे अपने पास आ गए यार, देख रहे हो ना? लेकिन एक चीज मैं बताऊं यार, ये ना सारे नकली नोट है। बेइज्जती है
ठीक है। कैसे लगा हमारा मजाक एंड हम ना आज करने वाले बच्चों के साथ प्रैंक। सकता है कि वो ना आपको कल व्लॉग में देखने को मिले। हम बच्चों को ये पैसे उनकी रिएक्शन लेनी है। गाइस अपने पास आ चुकी है स्कूटी। तो भाई कवासाकी Z900 से सीधे मैं स्कूटी पे आ चुका हूँ। मतलब गरीबी के दिन चल रहे। ये बंदा मुझे बोल रहा था कि भाई तू मेरी हम आधा चलाएंगे एंड दोनों व्लॉग बनाएंगे। मैंने उसको मना किया। मैंने बोला भाई तू अभी बाइक पे बना। ये बंदा खुद जो है ना 7 दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा है। जो है ना देखने पड़ते हैं भाई कभी कभी ना स्कूटी पे भी व्लॉग बनाना पड़ता है। ये देखो भाई गरीब लोग। वो एक्सीडेंट हो गया। सब हम ना निकलते हैं यहाँ से। ठीक है देखो भाई मजा आने वाला। आपका भाई ना स्कूटी पे ब्लॉग शूट कर रहा है। अपने को ना स्कूटी चलानी नहीं आ रही यार क्योंकि ये हिलती रहती है सबसे ज्यादा। तो अभी ना मैं आपको थोड़ा बहुत माहौल दिखा बता यार। अगर कश्मीर में ईद होती है ना इतनी सी जगह नहीं मिलती चलने की। लेकिन जम्मू में वो सीन नहीं है यार। जम्मू में उतने बच्चे नहीं होते रोड्स की। बाकी मैं आपको अपडेट देता हूँ अब मेरी बाइक्स वगैरह जो है ना आनी है या नहीं आनी है। फिलहाल मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस चीज़। मैं सोच रहा हूँ कि बाइक्स जो है ना मैं वापस लेके आ चली जाएगा। थोड़ा सा सबर रख लो। आफ्टर दैट हम इंशाल्लाह बाइक्स लेके आएंगे। ठीक है बाकी कल फर्स्ट ईयर थी। ठीक है वो मैंने इन्जॉय की अपने फ्रेंड्स के साथ जम्मू में। मजा आया यार। अपने दोस्त यहाँ पे भी है एंड मेरा फ्रेंड सर्कल जो है ना जम्मू में बहुत बड़ा है ना। अभी यहाँ से ऊपर चलना है एंड ये लोकेशन जो है ना ये मुझे हमेशा याद आती है बिकॉज मेरा एक वीडियो यहाँ पे वायरल हुआ था। उसके व्यूज वगैरह जो है ना 1 मिलियन हो गए थे। यहाँ पे वो वीडियो हमने शूट किया था। यार अपने दोस्त के पास अपने को थोड़ा बहुत काम है। सोचा व्लॉग भी यहीं से शूट करते हैं भाई। 5-6 दिन हो गए मैंने व्लॉग डाला। परेशान हो गए वो भी स्टंट्स कहाँ गायब है भाई। हमें कम से कम अपडेट ही दो यार। आप कहाँ पे हो जिंदा हो कि यार टपक गई। मुझे टाइम मिलता है ना मैं व्लॉग शूट करता हूँ। क्या हो गया क्या हुआ चेन अबे देखता हूँ कौन फोन कर रहा है। ओ बाइक ठोक गया मेरी। भाग गया इसको ऊपर करता हूँ। बाइक ठोक गया यार। ओहो पूरा टूट गया यार। कौन सा गाड़ी वाला छोड़ पहले इसको पकड़ते हैं। हो पीछे पहले इसको पकड़। कौन सा गाड़ी वाला वो यार गाड़ी वाला ठोक के भाग गया। पूरी बाइक तोड़ गया साइड से मेरी। चेन चून वो था चेन भी लटक गई। चेन भी तोड़ दी उसने। अबे यार चल छोड़ इसको चाबी निकाल। यार सब कुछ नीचे आ गया। चलाना पकड़े यार भाग जाएगा। पैसे लेने यार भाग जाएगा वो। चल यार समझ नहीं आ रहा क्या सीन चल रहा है भाई। इस बंदे को ना किसी ने ठोक दिया यार। गाड़ी वाला कहाँ गया। गाड़ी वाला वो गाड़ी वाला वो भाग रहा है ब्लैक। अरे भाई क्या क्या चल रहा था। मुझे लगा पता नहीं क्यों रुका है। ठीक है भाई किसी ने ना ठोक दिया है। यही थे रुक 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 भाई यार। ओ रुक जा क्या कर रहा है भाई। भाई पीके हो गए बंदे यार। क्या कर रहे यार रोक ना स्टार्ट कर इसको। स्टार्ट नहीं हो रही। बंदूक के पीछे गए थे एंड इतने में यार स्कूटी का पेट्रोल ही खत्म हो गया। ठीक है तो मैं आपको बाइक की हालत दिखाता हूँ यार। बाइक की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। देखो भाई चेन वेन जो ना सारा कुछ नीचे आ चुका है एंड यहाँ से देखो भाई ये सारा नीचे आ गया यार। इंजन से निकला है। अब इसको रिपेयर कराना है यार। ये बहुत गंदा सीन हुआ इस बाइक के साथ। यहाँ से देखो पार्ट्स वगैरह टूट चुके हैं। मुझे पता किसका पार्ट है यार। यहाँ पे शायद ऊपर। हाँ तो क्रेटा में ना कुछ लड़के थे यार जो कि गंदी गाड़ी चला रहे थे। मुझे लगा वो दारू वारू पी के। हम जो ही वहाँ पे पहुँचे भाई स्कूटी का पेट्रोल खत्म। ठीक है इतने देर में लड़के आगे निकल गए। तो अब फिलहाल वो बंदा जो है ना स्कूटी में पेट्रोल डालने गया।